नमस्कार, मैं दिव्या धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक की प्रमुख खबरों को। बिहार विधान परिषद में विपक्ष के नेता सम्राट चौधरी ने कहा है कि आज की स्थिति में भाजपा ही एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जहां लोकतंत्र है। उन्होंने कहा है कि राजद में तो आज भी लालू प्रसाद की विचारधारा गुंडागर्दी और अपराध की गैंग है। उन्होंने कहा है कि जिन सांसद और विधायक को फिर से चुनाव जीतना होगा उसे भाजपा के साथ आना होगा। पटना स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में जन कल्याण संवाद सहयोग कार्यक्रम में लोगों की समस्या सुनने के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि आज नीतीश कुमार का कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं है। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद यानी ICHR में पिछले 6 महीने से हर दिन कर्मचारी एक जगह जमा होकर राष्ट्रगान गाते थे, जो कुछ आपत्तियों के बाद शुक्रवार को बंद कर दिया गया। सदस्य सचिव उमेश कदम के दफ्तर और ICHR कॉन्फ्रेंस रूम में लगी भारत माता और जनसंघ की पूर्व अध्यक्ष दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर को भी उतार ली गई है। बिहार के बेगूसराय के रहने वाले बॉलीवुड अभिनेता फूल सिंह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंदिर हर राज्य में बनवाएंगे, इसकी घोषणा उन्होंने पटना एयरपोर्ट पर फ्लाइट से उतरने के बाद ही कर दी। बता दें कि वे महाराष्ट्र में बिहार प्रकोष्ठ के BJP अध्यक्ष हैं और गृह मंत्री अमित शाह की रैली में शामिल होने पहुंचे हैं। फूल सिंह ने महाराष्ट्र में शिवसेना को लेकर उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा है, साथ ही बिहार में महागठबंधन सरकार और नीतीश कुमार पर भी जमकर हमला बोला है। जर्मन चांसलर ओलाफ सोल्स शनिवार को भारत में अपने 2 दिवसीय दौरे के लिए पहुंच चुके। ओलाफ सोल्स के स्वागत के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। एयरपोर्ट से रवाना होने के बाद जर्मन चांसलर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की है। इस दौरान सोल्स ने कहा है कि जर्मनी और भारत के बीच पहले से ही अच्छे संबंध और मुझे उम्मीद है कि हम इस रिश्ते को मजबूत करेंगे और हम अपने देशों के विकास और दुनिया में शांति के लिए प्रासंगिक सभी विषयों पर गहन चर्चा करेंगे। एक बार फिर प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार में बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठाए और जमकर प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में आधार कार्ड बनवाने के लिए 2500 रुपए तक की घूस देने पड़ती है, जबकि आधार कार्ड मुफ्त में बनाना लोगों का अधिकार है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि बिहार में अब राजद और भाजपा दो ही राजनीतिक ध्रुव है। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर भी तंज कसा है। भारत और अमेरिका के रिश्ते अब और मजबूत हो रहे हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन ने कहा है कि अमेरिका भारतीय सेना के साथ संबंध विकसित करना जारी रखना चाहता है। पेंटागन के प्रेस सचिव यूएस ब्रिगेडियर जनरल पैट राइडर ने शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता में कहा है कि अमेरिका और भारत के बीच अच्छी साझेदारी है। अमेरिका भारतीय सेना के साथ अपने संबंधों को और विकसित करना चाहता है। बिहार में अब निजी मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई करने वाले छात्रों को एक बड़ा तोहफा दिया है। अब निजी मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई करने वालों को पढ़ाई करने में कम राशि खर्च करनी पड़ेगी। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को मंत्रिमंडल की हुई बैठक में निजी मेडिकल कॉलेजों की आधी सीटों पर सरकारी फीस पर ही पढ़ाई के प्रस्ताव को मुहर लगा दी गई है। US चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नई इंटरनेशनल IP इंडेक्स रिपोर्ट में भारत के 55 देशों में से 42वें स्थान पर रखा गया है। यह हर साल जारी किया जाता है, जिसमें दुनिया के 55 प्रमुख इकोनॉमी IP अधिकारों के संरक्षण का मूल्यांकन किया जाता है, जो ग्लोबल GDP के लगभग 90% का प्रतिनिधित्व करता है। अमित शाह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर प्रहार किया है। चंपारण के लोगों को जंगलराज की याद दिलाई और कहा है कि जो नीतीश कुमार भाजपा के साथ मिलकर जंगलराज वालों से लड़ाई लड़े थे, आज उन्हीं के गोद में बैठ गए। गृह मंत्री ने कहा है कि नीतीश कुमार हर 3 साल पर प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं। नीतीश बाबू और लालू यादव में एक गुप्त समझौता हुआ है। समझौते के तहत लालू के बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है, पर नीतीश कुमार तारीख नहीं बता रहे। उन्होंने ये भी कहा है कि नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। भारत और इसराइल के बीच जल्द ही फ्री ट्रेड अग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौता हो सकता है। भारत में इसराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात की ओर से इशारा किया है। भारत और इसराइल के बीच आधिकारिक रूप से राजनयिक संबंध बहाल होने के 30 साल पूरे होने के अवसर पर इसराइली राजदूत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। मीडिया का एक कार्यक्रम आइडियाज ऑफ इंडिया 2023 मुंबई में चल रहा है। 25 फरवरी को कार्यक्रम में मशहूर लेखक अमिताभ घोष शामिल हुए। इस कार्यक्रम में घोष ने दुनिया में बढ़ते जलवायु परिवर्तन के खतरे पर बात की। उन्होंने कहा है कि जलवायु परिवर्तन उसी तरह से वास्तविक है जैसे मृत्यु वास्तविक है। मुंबई शहर के बारे में बात करते हुए घोष ने कहा है कि यह एक दिन फिर पानी में समा जाएगा। अमेरिका इस बात को लेकर काफी चिंतित है कि चीन द्वारा भारत के निकटवर्ती पड़ोसी देश पाकिस्तान और श्रीलंका को दिए जा रहे कर्ज का इस्तेमाल जबरन फायदा उठाने के लिए किया जा सकता है। दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के अमेरिकी सहायक सचिव डोनाल्ड रू ने यह बात एक प्रेस वार्ता के दौरान कही है। लू सचिव एंटनी ब्लिंकन की भारत कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान की आगामी यात्रा का पूर्वावलोकन करते हुए एक विशेष प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे।
बलिया से लखनऊ, दिल्ली और बिहार तक कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का शिलान्यास 27 फरवरी को होगा। केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इसका शिलान्यास करेंगे। इस दौरान वो करीब डेढ़ घंटे बलिया जनपद में रहेंगे। उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम जिला प्रशासन को मिल गया है, जिसके बाद से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने उन्हें गुलाम, मीर जाफर और वोट काटने वाला कहने पर मानहानि नोटिस भेजा है। आजाद के कानूनी सलाहकार नरेश कुमार गुप्ता के माध्यम से भेजे गए नोटिस में आजाद की बेदाग प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए 2 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख सचिवों के साथ बैठक बुलाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पाया है कि देश के 801 जिलों में 4.7 लाख घरेलू हिंसा के मामले लंबित हैं। कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार डोमेस्टिक वायलेंस अधिनियम के सभी पहलुओं पर गहनता से विचार करे और घरेलू हिंसा के पीड़ितों को राहत और सुरक्षा प्रदान करे। केंद्र सरकार की तरफ से कई सरकारी स्कीमें चलाई जाती है, जिसके तहत आपको कई फायदे मिलते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही सरकारी स्कीम के बारे में बताएंगे, जिसमें आपके बच्चों को मोटा फायदा मिलेगा। बता दें कि सरकार की तरफ से आपके बच्चे को भी पीपीएफ अकाउंट की सुविधा मिल रही है। पीपीएफ में जिस तरह से बड़ों को कई फायदे मिलते हैं, वही बच्चों को भी कई तरह के फायदे मिलते हैं। आप अपने बच्चों का भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट यानी पीपीएफ ओपन करवा सकते हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के पूर्व प्रमुख अमरजीत सिंह दुल्लत ने पंजाब के संवेदनशील सीमावर्ती राज्य में कुशासन के खिलाफ चेतावनी दी और कहा है कि इसे दिल्ली से शासित नहीं किया जा सकता है। हालांकि दुल्लत ने कहा है कि उन्हें पंजाब में आतंकवाद के एक और प्रकोप की आशंका नहीं है, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा है कि राज्य को सहानुभूति की भी आवश्यकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने G20 वित्त मंत्री एवं केंद्रीय बैंक गवर्नरों की पहली बैठक के इतर फ्रांस के आर्थिक वित्त औद्योगिक एवं डिजिटल संप्रभुता मंत्री ब्रूनो ली मैरी और दक्षिण कोरिया के उप प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री के चू क्यूंग हो के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट के माध्यम से यह जानकारी देते हुए कहा है कि इस दौरान आपसे हितों के साथ ही भारत की अध्यक्षता में हो रही G20 बैठक के बारे में विचार विमर्श किया गया। सी टू के साथ श्रीमती निर्मला सीतारमण ने ऊर्जा सुरक्षा और इस संबंध में स्थिर आपूर्ति श्रृंखला को लेकर विचार विमर्श भी किया। बदलते वक्त के साथ ही यूपीआई भारत सबसे पसंदीदा पेमेंट सिस्टम बन चुका है। 21 फरवरी 2023 को भारत की यूपीआई को सिंगापुर के पेनाव से जोड़ा गया है। इसके बाद दोनों देशों के बीच क्रॉस बॉर्डर लेन देन बेहद आसान हो गया है। अब लोग घर बैठे ही केवल मोबाइल के जरिए भारत से सिंगापुर पैसों के लेन देन कर सकते हैं। सिंगापुर को यूपीआई से लिंक करने के बाद यूएई, मॉरिशस और इंडोनेशिया ने भी इस पेमेंट सिस्टम में भी दिलचस्पी दिखाई है। भारतीय रिजर्व बैंक इन सभी देशों के इस पेमेंट सिस्टम के बारे में बातचीत कर रहा है। केंद्र की राजनीति में अब कब्र की चर्चा तेज हो गई है। पहले कांग्रेस की तरफ से पीएम मोदी की कब्र खोदने जैसे नारे लगाए गए, बाद में प्रधानमंत्री ने उसका जवाब भी दिया है। अब फिर कांग्रेस के एक नेता ने कब्र की चर्चा आगे बढ़ाते हुए कहा है कि एलआईसी का 50,000 करोड़ रुपया डूब रहा है। इसकी कब्र मोदी जी के दोस्त अडानी ने ही खोदा है। एलआईसी की कब्र बचाने के लिए मोदी जी आपकी खुद न जरूरी है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर कथित रूप से कांग्रेस नेताओं ने मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगाए थे। भारतीय खाद्य निगम यानी FCI के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अशोक के मीना ने बृहस्पतिवार को कहा कि गेहूं की फसल अच्छी स्थिति में है और मार्च से शुरू होने वाले विपणन वर्ष 2023-24 में सरकार की खरीद सामान्य स्तर पर 3 से 4 करोड़ टन रहेगी। मीना ने संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि गेहूं का बोया गया रकबा पिछले साल की तुलना में अधिक है। गेहूं की फसल की मौजूदा स्थिति बहुत अच्छी है। हमारी खरीद वर्ष 2023-24 में सामान्य स्तर पर 3 से 4 करोड़ टन होनी चाहिए। G7 देशों के नेताओं ने शुक्रवार को रूस से यूक्रेन में अपनी लड़ाई खत्म करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि यह राष्ट्रों की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के मौलिक सिद्धांतों तथा मानवाधिकार के प्रति सम्मान पर हमला है। आपको बता दें कि G7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। इस बार हज कमेटी ऑफ इंडिया यात्रियों को सिम कार्ड नहीं देगा। हज यात्रियों को अपने साथ सिम कार्ड ले जाना होगा। सऊदी अरब में भी वह सिम कार्ड आसानी से खरीद सकते हैं। हज यात्रियों के लिए RT-PCR जांच जरूरी है। इसके लिए सरकारी अस्पताल या रेलवे के अस्पताल की जांच प्रमाण पत्र मान्य होंगे। गुजरे साल कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव और एक गैर गांधी को ताजपोशी से जिन लोगों को देश की सबसे पुरानी पार्टी के एकाधिकार मुक्त होने की उम्मीद बंधी थी, वे कल रायपुर में हुए फैसले से निराश होंगे। पार्टी की संचालन समिति ने सर्वोच्च वर्किंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव से परहेज करते हुए सदस्यों के मनोनयन के अधिकार अध्यक्ष को सुपुर्द कर दिए हैं।
सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी सरकार कई संस्थाओं को नियंत्रित करने में सफल रही तो नफरत फैलाने में मदद कर रही है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शनिवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सभी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया और विपक्ष की आवाज दबाने के साथ नफरत की आग भड़काई जा रही है। सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि भाजपा नफरत की आग भड़का रही है तथा अल्पसंख्यकों, दलितों, आदिवासियों और महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान डायना डुलजी ने आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार झेलने वाली हरमनप्रीत एंड कंपनी को बुरी तरह फटकार लगाई है। डायना डुलजी का कहना है कि खिलाड़ियों को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की ओर से वह सब मिल रहा है जिसकी उन्हें जरूरत है, यहां तक कि पुरुषों के समान सैलरी भी मिल रही है। ऐसे में उन्हें अब प्रदर्शन करने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के नावा रायपुर में कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय महाधिवेशन चल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद यह कांग्रेस का दूसरा सबसे बड़ा आयोजन है। कांग्रेस के महाधिवेशन में पार्टी के संविधान में 6 बड़े संशोधन किए गए हैं। अब पार्टी के अंदर महिलाओं और युवाओं को आरक्षण दिया जाएगा। 50% पद 50 साल से कम उम्र के लिए आरक्षित होगा। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट हीलिंग द इकोनॉमी एस्टिमेटिंग द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ इंडियाज वैक्सीनेशन एंड रिलेटेड मेजर्स में यह तथ्य उजागर किया है कि कोरोना काल के दौरान सफल टीकाकरण अभियान की वजह से भारत में 34 लाख से अधिक जिंदगियां बचाने में सफलता मिली है। इसके अलावा टीकाकरण और समय समय पर उठाए गए अन्य कदमों की वजह से देश को $18.3 अरब के नुकसान से भी बचाया जा सका। अमेरिका में मिले चीन के जासूसी गुब्बारे मिलने के बाद एक बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय सुरक्षा बलों ने बताया है कि एक साल पहले अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्षेत्रों के ऊपर आसमान में चीनी जासूसी गुब्बारे के समान एक ऐसी चीज देखी गई थी। रक्षा अधिकारियों ने बताया कि काफी समय पहले हमने अंडमान के ऊपर गुब्बारे जैसी सफेद वस्तु देखी थी। इस गुब्बारे के हाई रिजोल्यूशन वाली तस्वीरें भी लोगों ने कैप्चर की थी। हालांकि गुब्बारे जैसे दिखने वाली चीज का इरादा और कहां से आया ये साफ नहीं हो पाया था। इस साल होने वाले एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान के पास है। बीसीसीआई सचिव जैसा कि टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया को पाकिस्तान न भेजने के फैसले के बाद मामला तूल पकड़ते हुए है। भारत के इनकार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बौखलाहट मची है। पीसीबी के पूर्व चेयरमैन रमेश राजा और मौजूद चीफ नजम सेट्टी धमकी दे चुके हैं। पीसीबी का कहना है कि टीम इंडिया एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आती है तो भारत में इस साल के आखिर में होने वाले वनडे कप में पाकिस्तान टीम भी शामिल नहीं होगी। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है कुशलेंद्र कुमार सिन्हा, रविशंकर, नुन्नू गोलू कुमार, एमडी नौशाद रजा, एमडी शाकिर हुसैन, दीपक कुमार, संजय राम, सुशील कुमार सिंह, अनवर करीम खान। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बढ़ते जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसके लिए इतना ही, धन्यवाद।